नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो कंसेप्ट है टेम्परेचर का, वो क्या है और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। इसके ऊपर हमें कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन मिलता है, तो चलिए पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर जो है क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार का इसके ऊपर मिलता है। सबसे पहले जान लेते हैं कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पर जब भी किसी चीज को हम छूते हैं, मान लीजिए वो कोई गर्म चीज है या कोई ठंडी चीज है, तो वो हमें सेंस होती है, फील होती है, ऐसा कहना है। तो हम छूकर ही बता सकते हैं कि कोई चीज गर्म है। मान लीजिए हम किसी चीज को छूते हैं और वो हमें ठंडी लगती है, तो हम छूकर ही बता सकते हैं कि वो ठंडी है। इसी तरह से कोई चीज गर्म है तो हम छूकर ही उसको बता सकते हैं कि ये गर्म है। लेकिन जब हम किसी चीज को छूते हैं तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसका कितना टेम्परेचर होगा, यानी कि कितनी ठंडी है वो या फिर कितनी गर्म है। इसी चीज को एग्जैक्ट करने के लिए हमें डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर पे जाते हैं तो वहां पर थर्मामीटर के थ्रू आपका टेम्परेचर जो है माप लिया जाता है, तो हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमें टेम्परेचर को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक चीज आ जाती है, टेम्परेचर इक्वालिटी। टेम्परेचर इक्वालिटी को समझना भी बहुत जरूरी है अगर हम टेम्परेचर मेजरमेंट करना चाहते हैं। टेम्परेचर इक्वालिटी है क्या? मान लेते हैं एक बॉडी है हमारे पास, वो ठंडी बॉडी है, और दूसरी बॉडी है हमारे पास हॉट बॉडी है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ये जो बॉडी है हमारे पास, ये तो है कोल्ड बॉडी और ये हो गई हमारे पास हॉट बॉडी। अगर हम क्या करें, इन दोनों बॉडी को आपस में कॉन्टैक्ट बना दें, इन दोनों बॉडी का आपस में एक कॉन्टैक्ट बना देते हैं। तो अब यहां पर देखिए, ठंडी बॉडी थी और ये गर्म बॉडी थी। तो जैसे ही हम इनका कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो कुछ समय बाद, जैसे मान लीजिए 5 मिनट आपने देखा इसको, फिर 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट और 1 मिनट, यानी कि आपने 5 मिनट का समय दिया, उसके बाद आपने इसको नोट किया, तो जब आप इसको देखेंगे, मान लीजिए आप छूकर ही देखते हैं, तो ये आपको लेस हॉट दिखेगी, यानी कि कम ये गर्म रह जाएगी और ये लेस कूल, या कहें कि ये कम ठंडी रह जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता अभी कि ये कितनी जो कम ठंडी हुई है और ये कितना कम, जितना ज्यादा गर्म था कितना इसकी जो हॉटनेस में फर्क पड़ा है। अब हम क्या करें, इसको अगर हम बहुत लंबे समय तक आपस में कॉन्टेक्ट में रख लें, जैसे यहां पर हमने 5 मिनट रखा था, हम काफी लंबे समय तक इसको कॉन्टेक्ट में रखते हैं, लॉन्ग टाइम के बाद अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये दोनों हमें सेम टेम्परेचर पर मिलेंगी। इसी को ही हम टेम्परेचर इक्वालिटी बोलते हैं, यानी कि जितना इसका टेम्परेचर होगा उतना ही इसका टेम्परेचर हो जाएगा काफी समय के बाद। तो ये होती है टेम्परेचर इक्वालिटी, कि अगर हम दो बॉडी को कॉन्टेक्ट में रखते हैं, अगर कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं आता उनकी, तो जो दो सिस्टम होते हैं वो इक्वल इन टेम्परेचर होते हैं। अब यहाँ पर एक और बात समझने की है कि किस प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। टेम्परेचर जो है इनका सेम हो गया है आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज नहीं आया, ये क्या चीज है? अब देखिए, कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है हमारे पास, अब इसको अगर हम ठंडी करेंगे तो मान लीजिए इसकी जो लेंथ है, इसको हम L दे देते हैं, तो इसकी लेंथ जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि जब हम उसको ठंडी करेंगे तो इसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर इसी बॉडी को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंडेशन मिलेगा। यहां पर तो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन, और यहां पर हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंडेशन मिलेगा, ये एक्सपेंड हो जाएगी। तो किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कि लेंथ की, एक तरह से कह लीजिए लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आया। जब ये सेम टेम्परेचर पे हो जाएंगे तो इनकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया लेंथ। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यानी कि जब ये कॉन्टेक्ट में होगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर। तो
तो दो सिस्टम जो है इक्वल इन टेम्परेचर हम कह सकते हैं, इक्वल इन टेम्परेचर वो होंगे। तो हमने यहां पर समझा कि टेम्परेचर इक्वेलिटी क्या है, कि जब दो बॉडी जो है आपस में कॉन्टेक्ट में आए आफ्टर लॉन्ग टाइम वो सेम टेम्परेचर पे आ जाए या उनकी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज नहीं आ रहा तो वो टेम्परेचर इक्वेलिटी हो जाती है। अब यहीं से निकलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, अगर हम दो बॉडी ले लें, मान लीजिए फर्स्ट बॉडी ली और सेकेंड बॉडी ली और एक थर्ड बॉडी ले ली, तीन बॉडीज की बात करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड बॉडी की बात करते हैं, इन दोनों का टेम्परेचर मान लेते हैं सेम है, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस हमने एग्जांपल लिया, इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस है और इन दोनों को हम कॉन्टेक्ट में ले आते हैं, इन दोनों का एक कॉन्टेक्ट बना देते हैं, तो क्या इनकी प्रॉपर्टी पर कोई फर्क पड़ेगा? जैसा कि हमने टेम्परेचर इक्वेलिटी के अंदर देखा तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा किसी भी प्रकार का, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे है तो कोई भी चेंज इनकी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम थर्ड बॉडी की बात करें, ये भी मान लेते हैं सेम टेम्परेचर पर है और सेकंड बॉडी का थर्ड बॉडी से कॉन्टेक्ट करा देते हैं, तो क्या यहाँ पर कोई चेंज आएगा? तो यहाँ पर भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर भी नो चेंज किसी भी प्रॉपर्टी का। अब अगर हम क्या करें, अब देखिए फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी और थर्ड बॉडी तीनों ही इक्वल टेम्परेचर पे हैं। अगर हम फर्स्ट को थर्ड बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या यहाँ पर कोई चेंज आएगा किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर? तो यहाँ पर भी कोई भी चेंज हमको नहीं मिलेगा, नो चेंज इन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर एक तरह से सबका टेम्परेचर सेम है, तो कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी के साथ भी अगर कॉन्टेक्ट बनाएंगे, किसी की भी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, व्हेन टू बॉडीज हैव इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर, अगर दो बॉडी के अंदर इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि सेम टेम्परेचर पर है, और अगर हम उसको थर्ड बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं वो भी सेम टेम्परेचर पर है, तो यहाँ पर इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर होगी हर एक बॉडी की एक दूसरे के साथ, पहली की दूसरे के साथ या पहली की तीसरे के साथ कह लें, तीसरे की दूसरे के साथ या तीसरे की पहले के साथ कह लें, कैसे भी कह लें, सबकी जो टेम्परेचर इक्विलिटी होगी एक दूसरे के साथ। यहाँ पर सबसे जरूरी पॉइंट समझने का क्या है, जो हमें पेपर्स में भी मिल जाता है, कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये किस चीज के बारे में एक तरह से बताता है। तो ये जो लॉ है हमें प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी कि बेसिस जो है टेम्परेचर मेजरमेंट की यही लॉ हमें बताता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट हमसे पूछ लिया जाता है पेपर्स में कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है तो उसका बेस क्या है, यानी क्या क्या प्रोवाइड करता है, कौन सा बेस प्रोवाइड करता है, तो ये टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस एक तरह से बनता है। तो ये हमने समझा जो टेम्परेचर इक्वेलिटी था, यानी कि कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।